सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनिद्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? एंड टू मेक योर प्रिपरेशंस इवन बेटर, वी आर कमिंग अप विद द रिविजनरी वीडियो सीरीज फॉर द इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस आपको 3 3.5 आवर्स के अंदर रिवाइज करा दिया जाए. आज के डेट में जो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, द टॉपिक फॉर टुडे इज द रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016. अगेन, एक सिंपल सा चैप्टर है. इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के अंदर एक न्यू टॉपिक है जो कि पेपर 4 में अवेलेबल नहीं है. अब आप सबको पता है कि इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D जो है ना, वो एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है. तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो ओपन बुक एग्जामिनेशन को पढ़ने का तरीका भी अलग होता है. काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि अगर पेपर 6D ओपन बुक है तो एज सच यहाँ लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिटेंशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है. और ये जो कंसेप्शन है ये बहुत गलत है, ये आपको ले डूबेगा. पेपर 6D के अंदर भी आपको उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी का ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा रिटेंशन का ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा रिविजन का ज़रूरत है, जैसा कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, राइट? तभी जाकर आप क्या कर पाओगे, एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. ये चीज़ आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप हर चीज़ के लिए वहाँ बुक रेफर कर सकते हो. आपको पढ़ना उसी तरीके से है जैसा आप पेपर 4 में पढ़ते हो या पेपर 3 में पढ़ते हो. खाली फर्क क्या आता है कि यहाँ पे आपको एक एडिशनल बेनिफिट होता है इंडेक्सेशन का. यू हैव दैट एडिशनल बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो सिलेबस का साइज है वो भी थोड़ा सा छोटा है. दैट इज द बेनिफिट यू गेट, बट पढ़ना तो आपको उतना ही अच्छे से होगा, राइट? अब देखना, आपके लिए मैंने समरी नोट्स कंपाइल किया है. पूरा का पूरा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D आप लेस देन 100 पेजेस में रिवाइज कर सकते हो, 3 से 4 घंटे में रिवाइज कर सकते हो. ये जो पार्टिकुलर चैप्टर है जिसका रिविजन अभी हम लोग कर रहे हैं, दैट इज रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016, सिर्फ 5 पेजेस में इसकी पूरी समरी डिजाइंड है. और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, लेट मी टेल यू, राइट? इसके बाहर क्वेश्चन जल्दी से नहीं पूछा जा सकता है. तो ये जो समरी नोट्स हैं, ये आपको अपना मेंटर का जो हमारा वेबसाइट है www.apnamentor.com, वहां मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज के पार्ट में. और साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी इसे शेयर कर दूंगा. सो नोट्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. अब अगर हम रिविजन की बात करें तो अगेन यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रिविजन रहेगा. याद रखना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास. तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने वाले हैं. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इस क्लास का ऑब्जेक्टिव नहीं है. इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है पूरे टॉपिक को रिवाइज करना, राइट? अब देखना, अगर अपन रेरा एक्ट की बात करें तो रेरा एक्ट क्यों आया, डिटेल्ड में तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, बट रेरा एक्ट क्यों आया कि देखो, जो बायर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, जो बायर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, जनरली क्या किया गया, उनको स्टार्टिंग से एक्सप्लॉइट किया गया है. बोल दिया गया कि हम आपको 2000 स्क्वायर फीट का एरिया दे रहे हैं, बट इन रियलिटी सिर्फ 1500 स्क्वायर फीट का एरिया दे दिया गया. बोल दिया गया कि हम आपको 2 साल में पोजेशन दे देंगे प्रोजेक्ट का, बट पोजेशन 5 साल के बाद दिया गया. तो इस तरीके से जो बायर्स हैं उनको जगह जगह काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है. उनसे मोटा एडवांस ले लिया, और एडवांस लेने के बाद पोजेशन में उनको डिले कर दिया. अगर बायर ने पैसा देने में डिले किया तो उनसे मोटा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया. बट अगर जो प्रमोटर है, अगर वो प्रोजेक्ट डिलीवर करने में डिले कर रहा है, तो वो बायर को उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे. इस तरीके से वो लोग एग्रीमेंट एंटर करते थे, राइट? आप आज के जमाने पे एक फोन भी परचेज करते हो तो आपको 1 2 साल का वारंटी मिल जाता है. और यू नो, एक बायर अपना पूरा पैसा एक तरीके से एक प्रॉपर्टी में परचेज कर रहा है और उसको कोई भी तरीके का वारंटी नहीं मिल रहा था. तो इस तरीके से काफी सारा एक्सप्लॉयटेशन था जो बायर्स का हो रहा था फ्रॉम द हैंड्स ऑफ प्रमोटर्स. एंड उसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए क्या किया गया है, रेरा एक्ट को लाया गया है. अब रेरा एक्ट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो पार्टीज इन्वॉल्व है इस एक्ट के अंदर, दे आर द प्रमोटर्स, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट को खड़ा किया है, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, राइट? देन वी हैव अलॉटीज, दैट इज जो लोग प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने अभी अभी रिसेंटली यहाँ पे अपना एक घर परचेज करा है, तो इवन आई एम दी बायर, मैं भी क्या हूँ, बायर हूँ. मेरा जो घर है, मेरा जो प्रोजेक्ट है जो मैंने यहाँ परचेज करा है अभी गुवाहाटी में, वो जो प्रोजेक्ट है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द रेरा एक्ट. उनके जो प्रमोटर्स हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द रेरा एक्ट. और तीसरा होता है रियल स्टेट एजेंट, दैट इज जिनके थ्रू हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है, एंड यू नो दे हैव चार्ज्ड अ कमीशन फॉर दैट. तो दिस आर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड नॉर्मली. अब अगर हम लोग इस एक्ट के फीचर्स की बात करें तो इस एक्ट के फीचर्स ही आपको मेनली याद रखना है. ये जो रेरा एक्ट है, सबसे पहले याद रखना, दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ द रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज. कुछ लोगों को लगता है कि रेरा सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है. रेरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है. दूसरी चीज यहाँ पे क्या की गई है रेरा एक्ट के अंदर, कि बिल्डर्स को बोला गया है कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी तरीके का मकान बनाकर बायर को दे दिया. सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट को रेरा एक्ट के अंदर रजिस्टर करा लो. एक अथॉरिटी बनाई गई है इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना? बोला आप अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करा लीजिए. उसके बाद बोला गया है कि भाई, हर चीज में ना रेगुलेशन लगाया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप बायर से जितना चाहे उतना एडवांस ले सकते हैं. एडवांस का लिमिट सेट किया गया है.
आपने जो भी पोजेशन टाइम बोला है आपको उस पोजेशन टाइम के अंदर यू नो डिलीवरी देनी होगी। अगर आप उस पोजेशन टाइम के अंदर डिलीवरी नहीं देते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बायर को। जो भी पैसा आपको बायर से प्रोजेक्ट के लिए मिल रहा है आपको उसको अलग से यू नो रखना पड़ेगा कि आप कहीं और खर्चा ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखाधड़ी कर दें। पता चला कि आपने जो बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग बनाकर बायर को दिया है उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, राइट? आपने घटिया क्वालिटी का सीमेंट यूज किया है, घटिया क्वालिटी के वॉल्स यूज किए हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं। तो रेरा कहता है कि अगर ऐसा होता है तो बिल्डर लायबल होगा फॉर एनी ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ब्रॉट टू हिज नोटिस विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन। यानी बिल्डर ने बायर को जिस भी दिन पोजेशन दिया है उसके बाद 5 साल तक अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट पाया जाता है तो बिल्डर उस चीज के लिए लायबल होगा। उसके बाद क्या होता था कि बिल्डर्स जनरली जो पैसा है ना उसको मिस यूटिलाइज कर देते थे। बिल्डर्स नॉर्मली काफी सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चलाते हैं और पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर दिया और एक प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा डिले हो गया बिकॉज दूसरा प्रोजेक्ट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए बोला गया कि 70% ऑफ द अमाउंट मस्ट बी कैप्ट इन ए डेजिग्नेटेड अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक एंड दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर द करंट प्रोजेक्ट, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना कि रेरा का जो एक्ट है ये एप्लीकेबल कौन से प्रोजेक्ट्स में है। एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में एप्लीकेबल है, दूसरा कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में एप्लीकेबल है। लेकिन क्या हर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर रेरा एक्ट एप्लीकेबल है? क्या हर एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर रेरा एक्ट एप्लीकेबल है? नहीं। अगर 100 स्क्वायर फीट के अंदर आप एक कमरे का मकान बना रहे हो तो उसके ऊपर रेरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। रेरा कब एप्लीकेबल होगा? कि जिस लैंड के अंदर आप डेवलपमेंट कर रहे हो अगर उसका जो साइज है वो 500 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है, या फिर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं वो 8 से ज्यादा है, तब जाके रेरा एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है? और जिस दिन रेरा एक्ट आया उस दिन तक जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था सिर्फ उसके ऊपर ही रेरा एक्ट एप्लीकेबल हुआ, बिकॉज जो प्रोजेक्ट रेरा एक्ट के आने से पहले ही कंप्लीट हो गया था उनके ऊपर रेरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता, लॉजिकल सी चीज है। तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था सिर्फ उनके ऊपर ही क्या हुआ था, रेरा एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। और जिन प्रोजेक्ट्स में न्यू अलॉटमेंट इन्वॉल्व था सिर्फ उनके ऊपर ही रेरा एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कह सकते हो कि रेरा से एग्जम्पशन कब मिलेगा? एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द रेरा एक्ट। कौन से प्रोजेक्ट को एग्जम्पशन मिल जाएगा? प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड ऑन लैंड लेस देन 500 स्क्वायर फीट, या फिर वेयर द नंबर ऑफ यूनिट्स डज नॉट एक्सीड 8। जितने भी फेजेस में वो प्रोजेक्ट को बना रहे हैं अगर नंबर ऑफ यूनिट्स सारे फेजेस को मिलाकर 8 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, पहले फेज में 2 अपार्टमेंट बनाया, दूसरे फेज में एक और बनाया, तीसरे फेज में एक और बनाया, चौथे फेज में एक और बनाया, टोटल मिलाकर 6 अपार्टमेंट से बनाए और लैंड का साइज 500 स्क्वायर फीट से कम है, स्क्वायर मीटर से कम है, तो रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? साथ ही साथ अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया था प्रोजेक्ट को बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट तब भी रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, सिर्फ उसका यू नो रिनोवेशन होना है, रिपेयर होना है, सिर्फ मरम्मत होनी है, उसमें कोई मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई नया नया अलॉटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तब भी रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज ऑब्जेक्टिव तो बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन फी है या बुकिंग फी है उसके ऊपर भी एक सीलिंग लगाया गया कि आप बायर्स को उतना एक्सप्लॉइट ना करें। बोला गया कि भाई जो भी आपका अपार्टमेंट का कॉस्ट है या जो भी बिल्डिंग का कॉस्ट है, मान लो प्रोजेक्ट आप बना के देने वाले हो 4 साल बाद, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते बायर को कि 50 लाख रुपीज आज ही दे दो। एप्लीकेशन और बुकिंग फी कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और द बिल्डिंग एज द केस मे बी, ठीक है? दैट इज समथिंग दैट इज सेड। उसके बाद बोला गया है एवरी अलॉटी शुड टेक फिजिकल पोजेशन विद इन 2 मंथ्स ऑफ द ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट इशूड फॉर द सेड अपार्टमेंट। ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है अब रहने के लायक है, वहां जो भी पानी वगैरह की फैसिलिटीज है वो अवेलेबल है। तो बोला गया है कि उसके बाद अलॉटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो 2 महीने के अंदर क्या कर ले, फिजिकल पोजेशन ले ले उस पार्टिकुलर अपार्टमेंट का। अब देखो बोला गया कि मान लीजिए जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने स्टार्टिंग में बायर को एक प्लान दिखाया और उसी प्लान के बेसिस में बायर ने डिसाइड किया कि मेरे को पैसा उस प्रोजेक्ट में लगाना है, लेकिन वो जो प्लान है वो जो सैंक्शन प्लान है अगर उसमें कोई चेंज आता है, अगर कोई ऑल्टरेशन आता है, तो बोला गया कि वो ऑल्टरेशन तभी पॉसिबल है अगर आप रिटर्न कंसेंट ऑप्टेन कर लेते हो बाय 2/3 ऑफ द अलॉटेज। कितनों का रिटर्न कंसेंट ऑप्टेन कर लेते हो? बाय 2/3 ऑफ द अलॉटेज, राइट? लॉजिकल सी चीज है ना। पता चला आपने 100 अलॉटेज को प्रोजेक्ट दिया है, एक सैंक्शन प्लान आपने बनाया था और बाद में आपने उस सैंक्शन प्लान के अंदर क्या कर लिया, मेजर चेंजेस कर लिए और किसी एक आधा अलॉटी का कंसेंट ले लिया, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जो मेजोरिटी ऑफ अलॉटीज है उनका क्या चाहिएगा? कंसेंट चाहिएगा। 2/3 ऑफ अलॉटीज का कंसेंट चाहिएगा, वो भी रिटर्न कंसेंट चाहिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरली बायर्स के साथ धोखाधड़ी बहुत होता था पहले, उनको झूठे वादे किए जाते थे। सो अब बोला गया है कि इन केस ए बायर हैज बीन डिसीव्ड इनटू परचेज थ्रू फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एडवर्टाइजमेंट, ही हैज एन ऑप्शन टू एग्जिट द प्रोजेक्ट।
अगर आपने बायर के साथ डिसीव किया है, बायर को धोखा दिया है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो बायर क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट को एग्जिट कर सकता है और डेवलपर को सारे के सारे पैसे बायर को वापस देने होंगे, वो भी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई अगर बायर पैसा देने में डिले करे तो उसे इंटरेस्ट लेते थे, और अगर पोजेशन देने में डिले हो तो इंटरेस्ट नहीं देते थे या कम देते थे। लेकिन अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि अगर बायर को पोजेशन देने में डिले होता है, सो इन दैट सिचुएशन अलॉटी शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड कंपेंसेशन। देखो, बिकॉज पोजेशन डिले करना बहुत बड़ी चीज होती है। एक जो बायर है वो हो सकता है एक रेंटेड हाउस में रहता हो, वो अपने घर का सपना देख रहा है, उसने 2 साल के बाद पोजेशन प्लान किया हुआ है, लेकिन अगर अपने 2 साल का 4 साल कर दिया पोजेशन पीरियड, तो वो 2 साल तक रेंट भी पे करते जाएगा और ईएमआई का अमाउंट भी पे करते जाएगा, एंड दैट कैन कॉस्ट हिम ह्यूजली। उसके बाद अब क्या किया गया है, रेर एक्ट के अंदर कारपेट एरिया को डिफाइन कर दिया गया है। पहले क्या होता था, सुपर बिल्डअप एरिया के हिसाब से प्रमोटर्स चार्ज कर लिया करते थे, और अब बोला गया है कि जो कारपेट एरिया है, सिर्फ कारपेट एरिया के बेसिस में ही क्या किया जाएगा, आप बायर से चार्ज करेंगे। आप सिर्फ कारपेट एरिया के बेसिस में क्या करोगे, बायर को चार्ज करोगे, दैट इज द एक्चुअल लिविंग एरिया। जो बाहर का एरिया है वो सारा काउंट नहीं होगा। उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट वर्सेस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का एक डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप रेफर कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में जितना भी सेक्शन है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, 3, 4, 5, 6, 7 सीक्वेंस में याद रख लो। ये पांचों सेक्शन ना रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा के रिस्पेक्ट में है। सेक्शन 3 के अंदर बोला गया है कि भाई जो भी प्रोजेक्ट्स 1 मई 2016 के बाद बने हैं, उन सब को क्या करना है, रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। इफ द एरिया ऑफ लैंड यू नो इज 500 स्क्वायर फीट और मोर, और द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इज मोर देन 8। फिर सेक्शन 4 के अंदर बोला है कि प्रमोटर्स हैज टू अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। रेरा के अंदर जो अथॉरिटी बनाई गई है, प्रमोटर को अप्लाई करना होगा टू दैट अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। फिर सेक्शन 5 के अंदर बोला गया कि वो जो अथॉरिटी है वो डॉक्यूमेंट्स देखकर रजिस्ट्रेशन दे देगा। फिर सेक्शन 6 में एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, और सेक्शन 7 के अंदर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। यानी कि सारे के सारे 5 सेक्शन सिक्वेंस में आते हैं। फिर उसके बाद देखना सेक्शन 3, सेक्शन 3 दैट इज प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर रेरा। तो रेरा केम इन टू फोर्स ऑन 1 मई 2016, दिस इज द डेट यू हैव टू रिमेंबर। और जितने भी अंडर गोइंग प्रोजेक्ट थे उस वक्त, उन सबको बोला गया कि आपको कंप्लीशन, यू नो, जिनका भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, उन सबको बोला गया कि आपको 3 महीने के अंदर अपने आपको रेरा एक्ट में रजिस्टर कराना है। और जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे उस वक्त, यानी 1 मई 2016 से पहले, अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था तो क्या उसको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? नहीं है। 1 मई 2016 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स नए बन रहे हैं और जहां पे एरिया ऑफ लैंड एक्सीड कर रहा है 500 स्क्वायर मीटर्स, या फिर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स एक्सीड कर रहा है 8, तो उनको भी क्या करना होगा, रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और साथ ही साथ जितने भी रियल स्टेट एजेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी टू फैसिलिटेट परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा। तो कोई भी रियल स्टेट एजेंट रेरा कंप्लाइड प्रॉपर्टीज को सेल नहीं कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता है, करवा सकता है, उनको भी अपने आप को अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना होगा। अगर एक प्रोजेक्ट मल्टीपल फेज में डेवलप किया गया है, तो हर एक फेज को एक सेपरेट प्रोजेक्ट माना जाएगा और सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया जाएगा हर एक फेज के लिए। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए रेलिवेंट है। वो जो रजिस्ट्रेशन है, वो जो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया गया है, वो एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए वैलिड होगा, जो कि बिल्डर स्पेसिफाई करेगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन से कब कब एग्जम्पशन मिल सकता है? एक तो आप कह सकते हो कि भाई जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बन चुके हैं 1 मई 2016 से पहले। दूसरा आप कह सकते हो कि वेयर द प्रपोज एरिया ऑफ लैंड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर्स। तीसरा आप कह सकते हो कि वेयर द प्रपोज नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स ऑब्लिक यूनिट डज नॉट एक्सीड 8। या फिर आप कह सकते हो कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ कोई रिनोवेशन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कोई भी मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व नहीं है, सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है, न्यू अलॉटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जो पुराने बायर्स हैं सिर्फ उनके प्रोजेक्ट की मरम्मत करके दी जा रही है, तब भी वहां पर रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 4 के अंदर बोला गया कि प्रमोटर्स को अप्लाई करना होगा टू द अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। अब अगर प्रमोटर्स अप्लाई करेंगे टू द अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन सा अथॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, जो रेरा के अंदर बनाया गया है, राइट? तो यहां पे प्रमोटर्स अगर अप्लाई करेंगे तो भाई लॉजिकल सी चीज है कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन तो अप्लाई करेंगे नहीं, उनको कुल मिलाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारा का सारा जो डिटेल्स है वो अथॉरिटी को सबमिट करना होगा कि बॉस दिस इज आर प्रोजेक्ट, दिस इज आर प्रमोटर्स, दिस इज द कार्पेट एरिया, दिस इज द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स यू नो वी आर मेकिंग, दिस इज आर पास्ट एक्सपीरियंस, दिस आर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वी हैव मेड, वी आर लीगली इंटाइटल्ड टू द लैंड इन विच वी आर मेकिंग द टाइटल।
तो लॉजिकली सोचो कि भाई ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं जाएगा तो रजिस्ट्रेशन किस बिहाफ में देगा अथॉरिटी। तो इसीलिए सेक्शन 4 के अंदर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट स्पेसिफाई किया गया है कि प्रमोटर को ये सारा डिटेल्स देना होगा अथॉरिटी को टू द रजिस्ट्रेशन, जैसे कि डिटेल्स ऑफ द एंटरप्राइज, व्हाट इज द सैंक्शन प्लान ऑब्लिक द लेआउट प्लान एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू हैव लॉन्च्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स, ताकि हम देख सकें कि भाई पिछले 5 साल के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो आपने कितना टाइमली डिलीवरी दिया है, राइट आपके प्रोजेक्ट कितने सक्सेसफुल रहे हैं, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर्स के नाम एंड प्रमोटर्स के एड्रेस, रियल स्टेट एजेंट्स के नाम और उनका एड्रेस, कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स आप बना रहे हो, किस टाइप के अपार्टमेंट्स आप बना रहे हो, कारपेट एरिया क्या होने वाला है, और साथ ही साथ डिक्लेरेशन दिया जाएगा बाय द प्रमोटर्स वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट कि भाई जिस लैंड के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो लैंड पे उनका लीगल इंटाइटलमेंट है। कल को अगर लैंड के ऊपर ही लीगल इंटाइटलमेंट नहीं हुआ या लैंड के अंदर कोई लोचा हुआ तो बायर्स को तो गया ना काम से। साथ ही साथ डिक्लेरेशन देना होगा कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। अब डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि जितना भी पैसा हम रियलाइज करेंगे हम 70% ऑफ पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे टू कवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द लैंड कॉस्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट का अगर पैसा मिला है तो उसको मैं अलग से रखूंगा उसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, राइट एटलीस्ट 70% पैसा अलग से रखूंगा। और पैसा कैसे विड्रॉ किया जाएगा, वो जो 70% पैसा रखा है मैंने अलग से उसको कैसे विड्रॉ किया जाएगा, दैट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर गेटिंग इट सर्टिफाइड बाय इंजीनियर आर्किटेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी आपको क्या करना होगा, सर्टिफाई कराना होगा बाय द इंजीनियर, बाय द आर्किटेक्ट एंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तीनों लोगों से सर्टिफाई कराना पड़ेगा कि हाँ भाई मान लो 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो इंजीनियर आर्किटेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई कर देंगे 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो आप 30% पैसा निकाल सकते हो। और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, आपके अकाउंट्स की कॉपी एक CSA ऑडिट करवानी होगी और उसका भी एक डिक्लेरेशन, उसको भी क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी के पास सबमिट करना पड़ेगा। तो ही शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय ए CA इन प्रैक्टिस विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब ये सारा डिटेल्स जब प्रमोटर अथॉरिटी को सबमिट कर देगा तो सेक्शन 5 में कहा गया है कि अथॉरिटी की मर्जी है कि रजिस्ट्रेशन दे या ना दे और अथॉरिटी इस चीज को 30 डेज में डिसाइड करेगा। भाई लॉजिकल सी चीज है कि अथॉरिटी 30 डेज में डिसाइड करेगा रजिस्ट्रेशन देना है कि नहीं और कम्युनिकेट कर देगा प्रमोटर को कि हमने आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया है या नहीं दिया है। लेकिन अगर अथॉरिटी 30 डेज के अंदर प्रमोटर को कम्युनिकेट नहीं करता तो मान लिया जाएगा कि अथॉरिटी ने प्रमोटर को रजिस्ट्रेशन दे दिया है, ठीक है। फिर जब 30 डेज खत्म हो गए, 30 डेज खत्म हो गए, मान लीजिए अथॉरिटी ने प्रमोटर को कम्युनिकेट नहीं किया या कर दिया तो क्या हो गया कि रजिस्ट्रेशन मिल गया प्रमोटर को, तो विद इन 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज एक रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रमोटर को दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक बार रजिस्ट्रेशन प्रमोटर ने दे दिया है तो उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा बिफोर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लॉजिकल सी चीज है, पूरे लॉ के अंदर हम देखते हैं भाई कि एक बार आपने कुछ दे दिया है अगर उसे कैंसिल करना चाहते हो तो फिर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। दैट इज हमने लैटिन में डिस्कस किया था, लैटिन वर्ड डिस्कस किया था इसका, कि प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑर्डरम पार्टम फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद सेक्शन 6 के अंदर आता है एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 के अंदर ग्रांट किया गया था, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द प्रमोटर ड्यू टू फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर मतलब ड्यू टू अनफोर्सन सर्कमस्टेंसेस, फायर आग जल गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उन सिचुएशंस के अंदर क्या हो सकता है कि भाई रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। बट जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी ड्यू टू फोर्स मेजोर ग्राउंड्स बट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यू हैव टू रिमेंबर फोर्स मेजोर, यू हैव टू रिमेंबर। एंड अगेन अगर मान लीजिए प्रमोटर ने रजिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दिया है उसको भी अथॉरिटी कैंसिल नहीं करेगा विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दैट इज विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिल गया भाई, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने दे दिया, क्या उसके बाद अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन रिवॉक कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगेन अगर अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन रिवॉक करेगा तो उससे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। लेकिन लॉजिकली सोचो और बताओ कि रजिस्ट्रेशन कौन से ग्राउंड्स में रिवॉक करेगा? अथॉरिटी सिर्फ तभी रिवॉक करेगा अगर प्रमोटर ने एक्ट, रूल्स या रेगुलेशंस के कंप्लायंस में डिफॉल्ट किया है, या फिर जब अथॉरिटी ने प्रमोटर को रजिस्ट्रेशन दिया था तो कुछ कंडीशंस इंसर्ट करे होंगे, कहीं ना कहीं उन टर्म्स ऑफ कंडीशंस को वायलेट किया है, या फिर प्रमोटर किसी तरीके के अनफेयर प्रैक्टिस या इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व है। सो सिर्फ इन 3 सर्कमस्टेंसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है बाय द प्रमोटर, ठीक है ना। तो ये 5 सेक्शंस जो है ना ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 के 5 सेक्शंस क्या है? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आता है अपने पास सेक्शन 19, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज। राइट कि भले हमने डिस्कस किया कि रेरा एक्ट जो है मेनली अलॉटीज को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोवाइड किया गया है, बट अलॉटीज की भी सर्टेन ड्यूटीज है।
फॉर एग्जाम्पल एक प्रमोटर भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई जब उसने इतना पैसा प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है तो उसको भी टाइमली पैसा मिले, है ना। तो अलॉटी का पहला राइट है टू मेक टाइमली पेमेंट। अलॉटी का क्या राइट है? टू मेक टाइमली पेमेंट। और अगर वो पेमेंट करने में डिले करता है तो उसको प्रमोटर को इंटरेस्ट देना होगा, जैसा भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। खाली अब राहत की बात क्या आ गई है अलॉटी के लिए, दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन द व्हाट द अलॉटी इज एंटाइटल्ड टू द प्रमोटर फॉर द डिले इन पोजेशन। कि भाई पोजेशन में डिले होने की वजह से प्रमोटर जो अलॉटी को इंटरेस्ट देगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट अलॉटी को नहीं देना पड़ेगा फॉर डिले इन पेमेंट। और दूसरा जो ड्यूटी है अलॉटी का वो क्या है? ही शुड टेक द फिजिकल पोजेशन ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और प्रोजेक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months ऑफ द इश्यू ऑफ ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट। उसके बाद रियल स्टेट एजेंट्स के रिस्पेक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है कि रियल स्टेट एजेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, रेरा एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा अगर वो रेरा कंप्लाइड प्रॉपर्टीज को बेचना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, मतलब फैसिलिटेट द सेल और परचेज करना चाहते हैं। तो क्या बोला गया सेक्शन 9 के अंदर, नो रियल स्टेट एजेंट शैल फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑफ एनी रियल स्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड अंडर रेरा विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन। उसके लिए रियल स्टेट एजेंट क्या करेगा, फोन करेगा अथॉरिटी को? नहीं, एप्लीकेशन इन राइटिंग देगा। उसके बाद ऑथोरिटी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। और एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले ऑथोरिटी को क्या देना होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑडी, ऑल्टरम पार्टम फॉलो करना होगा, है ना। फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू नो द स्पेलिंग, AUDI ऑडी, ऑल्टरम ALTERAM एंड पार्टम PARTEM। उसके बाद सेक्शन 10 के अंदर बोला हुआ है फंक्शंस ऑफ रियल स्टेट एजेंट्स, कि जो रियल स्टेट एजेंट्स उनका काम क्या है, उनका काम है टू फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट दैट इज रजिस्टर्ड अंडर रेरा। और रियल स्टेट एजेंट्स को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, प्रिजर्व करना होगा ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। और साथ ही साथ बोला गया कि कोई भी रियल स्टेट एजेंट क्या नहीं करेगा, किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में डील नहीं करेगा, वरना अगेन उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है और उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है। अब देखो हमेशा पॉसिबिलिटी है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 3 parties है मेनली, प्रमोटर्स हैं, रियल स्टेट एजेंट्स हैं, अलॉटीज हैं। हमेशा पॉसिबिलिटी है कि देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन दैम, तो अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन भी तो चाहिए। तो यहाँ पे डिस्प्यूट सेटल करने के लिए क्या किया गया है, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया गया है कि जो भी अलॉटीज और प्रमोटर्स के बीच डिस्प्यूट्स हैं वो रेफर किया जाएगा टू द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बाहर किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने की जरूरत नहीं है और अथॉरिटी के पास पेनल्टीज लिवाई करने का भी पावर है। तो एनी डिस्प्यूट बिटवीन द अलॉटी एंड द प्रमोटर शैल बी रेफर टू द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी हैज द पावर टू लिवाई पेनल्टीज ऑन द प्रमोटर्स, रियल स्टेट एजेंट्स एंड अलॉटीज। ठीक है, अब मान लीजिए अथॉरिटी ने ऑर्डर सुना दिया, अथॉरिटी ने प्रमोटर के ऊपर पेनल्टी लगा दिया या रियल स्टेट एजेंट के ऊपर पेनल्टी लगा दिया या अलॉटी के ऊपर पेनल्टी लगा दिया, तो देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी दैट दे आर एग्रीव्ड विद द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी। प्रमोटर बोल रहा है कि अरे भाई अथॉरिटी ने तो मेरे साथ गलत किया है, तो वहां पे अपील किया जा सकता है टू द एपिलेट अथॉरिटी विद इन 60 days। ठीक है ना, तो वहां पे अपील किया जा सकता है टू द एपिलेट अथॉरिटी विद इन 60 days एंड 60 days का एक्सटेंशन भी पॉसिबल ऑन जेन्युइन ग्राउंड्स। और फिर बोला गया कि एपिलेट ट्रिब्यूनल कोशिश करेगा कि मामले को डिस्पोज ऑफ किया जा सके 60 डेज के अंदर। और अगर एपिलेट ट्रिब्यूनल फर्दर ऑर्डर सुना रहा है, मान लो अब एपिलेट ट्रिब्यूनल ने भी प्रमोटर के ऑर्डर खिलाफ अगेन ऑर्डर सुना दिया, अब फिर से प्रमोटर कह रहा है कि अरे भाई पहले तो अथॉरिटी ने मेरे साथ गलत किया, मैं एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास गया, अब एपिलेट ट्रिब्यूनल भी मेरे साथ गलत कर रहा है, तो वो वहां पे क्या कर सकता है, हाई कोर्ट को अपील कर सकता है 60 डेज के अंदर। सिमिलरली फॉर द अलॉटी, अलॉटी ने बोला अथॉरिटी ने गलत फैसला सुना दिया, भाई उसने तो प्रमोटर के फेवर में सुना दिया, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर लेगा 60 डेज के अंदर। और अगर उसको लग रहा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी गलत फैसला सुना दिया तो अगेन आगे अपील किया जा सकता है टू द हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। और अपील के अंदर जो कॉमन मसाला लगाना है वो क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है कि जब भी अपील का क्वेश्चन आएगा तो कॉमन मसाला क्या लगाना है, है ना, कि अपील करना जब भी अपील किया जाएगा कि विद इन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डेज अपील किया जाएगा, जो अथॉरिटी है वो दोनों पार्टीज को बुलाएगा, दोनों की बातें सुनेगा, एविडेंसेस देखेगा, फिर डिसीजन जो भी ऑर्डर है उसका कॉपी कम्युनिकेट करेगा, फिर सामने वाले को अपील का राइट होगा, तो वो सारा आप बिल लिख सकते हो वहां पे। और फाइनली यहाँ पे दिया हुआ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज अंडर रहा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके पास पेनल्टी लगाने का पावर है ऑन द प्रमोटर्स, ऑन द अलॉटीज, ऑन द रियल स्टेट एजेंट्स। तो ये पेनल्टीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ओपन बुक है, तो ओपन बुक के अंदर आपको याद क्या करना है, सारी चीजें नहीं करनी है, जो भी चीजें लग रहा है कि याद हो जाएगा उसको याद करो। अब जैसे पेनल्टी है तो पेनल्टी याद करके क्या फायदा है ना, ओपन बुक है, अगर पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली इंडेक्सेशन को रेफर करना और अकॉर्डिंगली एग्जाम में पेनल्टी लिख के आ जाना। जैसे अलग अलग पेनल्टीज दिया हुआ है, पेनल्टीज ऑन द प्रमोटर्स इफ प्रमोटर्स फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3। तो अगर एग्जाम में वो आपको केस स्टडी दे रहा है और उसके अंदर बोला हुआ है कि भाई प्रमोटर ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं करा, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडेक्सेशन को यूज करके पेनल्टी के पार्ट में जा सकते हो और पेनल्टी लिख के आ सकते हो, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है वहां पे।
सिमिलरली इफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रावीन सेक्शन 4 और प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए पेनल्टी दी हुई है. इफ द प्रमोटर कॉन्ट्रावीन्स एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल्स रेगुलेशन उसके ऊपर पेनल्टी दी हुई है. और ज्यादातर आप देखोगे कि 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी है. इफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रावीन सेक्शन 4 और प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट. इफ प्रमोटर कॉन्ट्रावीन्स एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन देन ही शैल बी लायबल अप टू 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, है ना. इफ प्रमोटर फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन तब बोला गया कि भैया 3 साल तक का जेल हो सकता है या फिर 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का फाइन लग सकता है या दोनों भी हो सकता है. बिकॉज रजिस्ट्रेशन नहीं लिया मतलब बड़ी बात है. इफ प्रमोटर फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑथोरिटी और द ऑर्डर्स और डायरेक्शन ऑफ द ऑथोरिटी. ऑथोरिटी ने प्रमोटर के ऊपर पेनल्टी लगाया या प्रमोटर को कोई डायरेक्शन दिया और प्रमोटर इतना बेशर्म है कि उसने ऑथोरिटी की बात भी नहीं मानी, तो अगेन बोला गया कि भैया फिर से आपको पेनल्टी लग सकता है, पर डे पेनल्टी लग सकता है, पर डे पेनल्टी लग सकता है टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड दैट में एक्सटेंड क्यूमुलेटिवली अप टू 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट. एपलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी तो यानी बड़ी ऑथोरिटी की बात नहीं मानी तो यहां पे फिर से इंप्रिजनमेंट 3 साल तक का हो सकता है या फिर फाइन लग सकता है दैट में क्यूमुलेटिवली एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और बोथ. उसके बाद सिमिलरली रियल स्टेट एजेंट्स के ऊपर भी पेनल्टीज लग सकती है. इफ द रियल स्टेट एजेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 एंड 10 और द रियल स्टेट एजेंट्स फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी और द रियल स्टेट एजेंट्स फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल. सिमिलरली अलॉटिस के ऊपर भी पेनल्टी लग सकता है. इफ द अलॉटी फेल्स टू कंप्लाई विद और कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द ऑर्डर्स और डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी या फिर इफ द अलॉटी फेल्स टू कंप्लाई विद और कॉन्ट्रावीन्स विद एनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल. और लॉजिकल सी चीज है, आप देखोगे तीनों के तीनों पार्टीज के केस में अगर अथॉरिटी की बात नहीं मानी तो 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का पेनल्टी है और अगर एपलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी तो वहां पे फिर 1 साल तक का जेल है या फिर 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का फाइन है, है ना. और प्रमोटर के केस में तो 3 साल तक का जेल था, प्रमोटर के केस में तो 3 साल तक का जेल था और रियल स्टेट एजेंट या लॉटिस के केस में मैक्सिमम 1 साल तक का जेल है. बाकी आपको पेनल्टीज एक्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यू कैन टेक द इंडेक्सेशन बेनिफिट. तो ओपन बुक के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या चीजें याद रखनी है और कहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठाना है. एनीवेज कंफ्यूज हो गए तो इंडेक्स रेफर करना ही है, बट हर चीज के लिए इंडेक्स रेफर करने का टाइम आपके पास नहीं होगा, राइट. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर, दैट इज द रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016. होपफुली ये वीडियो आपके काम आया हो, आधे घंटे के अंदर सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल.